राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, बी सॉलिसिटर जनरल, सी एडवोकेट जनरल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है एडवोकेट जनरल। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी योजना आयोग, सी वित्त मंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका उत्तर है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मंत्रिपरिषद, सी सांसद और डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका उत्तर है सांसद। राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकते हैं? ऑप्शन ए न्याय मंत्री, बी महान्यायवादी, सी उच्च न्यायालय और डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयोग, बी भारत का उच्चतम न्यायालय, सी सांसद और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है भारत का उच्चतम न्यायालय। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मत नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, बी लोकसभा उपाध्यक्ष, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इसका उत्तर है अटॉर्नी जनरल। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्रालय से, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। निर्णायक मत देने का अधिकार है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को और डी लोकसभा अध्यक्ष को। इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यवाही का प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑप्शन ए नौकरशाही, बी मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। इसका उत्तर है मंत्रिपरिषद।